तो गाइस आ चुके हैं हम लोग एक और GTA 5 के नए वीडियो में। तो गाइस यार वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो वो लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो भाई आज की वीडियो में होने वाला ये है कि आज हम फ्रैंकलिन के लिए कुछ नई गाड़ियाँ इम्पोर्ट करेंगे, बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हो कि वो अभी एक मारुति सुजुकी में घूम रहा है जो कि बहुत ही बकवास गाड़ी है और भाई वो ख़राब भी हो गई है हमारे फ्रैंकलिन भाई की गाड़ी। तो आप देख पा रहे हो ये पूरा धुआं धुआं हो रही है, ये कभी भी धोखा दे सकती है और आई थिंक अब ये धोखा देने वाली है भाई। और भाई ने धोखा दे ही दिया जैसा कि मैंने आपको बोला था। और भाई फ्रैंकलिन का भी हो रहा है दिमाग ख़राब और वो गाड़ी को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ रहा है क्योंकि उसमें कुछ बचा नहीं है गाड़ी में रखने के लिए। तो भाई फ्रैंकलिन ने पूरी की पूरी गाड़ी की 12 बजे के रख दी है, पूरी हेडलाइट तोड़ दी है, कांच तोड़ दिए, पूरी गाड़ी की मतलब एल लगा दिए कुल मिला के मैं बोलूँ तो। और अब बन चुके हैं हमारे फ्रैंकलिन भैया कबीर सिंह अब्बे ख्याली वाले और उनकी गाड़ी टूट गई भाई। तो भाई अब फ्रैंकलिन पूरा टूटा फूटा सोचता है कि भाई क्या करे। तभी उसको दिखती है सामने किराने की दुकान। उस किराने की दुकान में वो जाता है और वहाँ जाके आप देखिए क्या होता है। ओ भाई बस इसकी कमी थी। तो भाई हमारा फ्रैंकलिन भैया आ चुके हैं हमारी दुकान में और भाई यहाँ पे हम खरीदने वाले हैं एक लॉटरी का टिकट और देखते हैं कि उसमें यार हमारी किस्मत क्या साथ देती है। तो चलो भाई लॉटरी का टिकट को खोलते हैं हम लोग। तो देखते हैं यार पहले इसमें एक्चुअली 3 बार अगर डॉलर का साइन आता है तो आप देख सकते हो कितनी मोटी रकम है और बाकी दोनों में खोपड़ी है, उनमें $1 और $10। तो भाई एक में हमको निकला है डॉलर साइन और एक में खोपड़ी और एक में मास्क। अब देखें इसमें क्या निकलता है। इसमें भी भाई खोपड़ी भाई $3 निकल जा। ओ भाई इसमें डॉलर निकल गया, फिर $1 और $1। ओ निकला भाई $3 भाई, अनलिमिटेड कैश भाई। अब देख रहे हो तुम, अब फ्रैंकलिन हो चुका है भाई अरबोपति। अब भर भर के पैसा, लॉटरी के पैसों से बनूंगा जन्नत का इमरान हाशमी। अब एक मंथ बाद देखो भाई, अब फ्रैंकलिन का ठाट देखो, सीधा प्राइवेट जेट बुक हुआ है सीधा। उसके देखिए भाई कपड़े देखो, लुक देखो, फ्रैंकलिन तो भाई पूरा जेंटलमैन। और अब हम चलेंगे हमारे मेंशन की तरफ। देख रहे हो गाइस अपना मेंशन पूरा पहाड़ों में अलग से सिर्फ अपने लिए बनवाया गया स्पेशल। तो भाई प्लेन उतरता है हमारे मेंशन की पार्किंग में और अब देखना भाई हमारे फ्रैंकलिन के तुम एकदम ठाट। ये ड्राइवर साहब बाहर निकले और अब हमारे फ्रैंकलिन बाबू भी बाहर निकलेंगे एकदम हाथ में चांदी वांदी जड़े हुए। ओ भाई क्या लुक आ रहा है, गजब ही लुक आ रहा है भाई, गजब लुक। गाइस आपको कैसा लगा फ्रैंकलिन का ये नया मेंशन, आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं देखूंगा। और भाई हमारे पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर की पार्किंग भी है और भाई हमारा एकदम टेलीस्कोप वगैरह सब कुछ लगा रखा है और नोट भी हमने सजा रखे हैं, पूरा डेकोरेशन नोटों से हुआ हुआ है। और यहाँ पर हमारी जो भी गाड़ियाँ वगैरह होगी यहाँ पर हम उनको पार्क करेंगे। और अभी हम वो गाड़ियाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं थोड़ी देर में, तभी आप देखना। तो अभी यार हम लोग फ़ोन लगाते हैं कार वाले को कि भाई कुछ सुपर कार दे जा इधर भी हमारे इधर, क्योंकि भाई अब पैसा बहुत सारा हो चुका है। तो भाई हमने फ़ोन मिला दिया उसको और वो किसी भी वक्त हमारी गाड़ियाँ लेके आता होगा और वो आई थिंक आ ही गया है। आ गया क्या, आ जा। ओ भाई आ गया, गाड़ियाँ आ गई भाई। हमने जो गाड़ियाँ इम्पोर्ट करी थी फ्रैंकलिन के लिए वो फाइनली अब आ चुकी हैं। आई थिंक ये कितनी 6 गाड़ियाँ आई हैं अभी तक, अभी तो और आएगी आगे। अभी ये 6 गाड़ियाँ फिलहाल आ चुकी है, अब देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी मंगवाई है फ्रैंकलिन ने। हाँ भाई रुक जा। बस उतर जा, निकाल भाई। बहुत सही। तो गाइस अब एक एक करके हम इन गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कौन कौन सी गाड़ी है, इनके क्या क्या नाम है और ये कैसे चलती है, तभी आप देखना। हाँ भाई निकालो। बहुत सही ट्रेलर से अब हम वन बाय वन गाड़ियाँ उतारते हैं। तो भाई सबसे पहले जो गाड़ी हम उतारने वाले हैं वो हमारी ऑडी R8 V10 Plus। ओके गाड़ी का भाई नाम काफ़ी सुना है लेकिन आज चला के देख भी लेते हैं। ये चलने में तो मुझे काफ़ी स्मूथ लग रही है यार, एकदम मक्खन जैसी चल रही है और लुकिंग भी अच्छी लग रही है। तो भाई आपको मैं एक टास्क और देता हूँ कि आपको कमेंट में सारी गाड़ियाँ आप अभी देख लेना और मुझे बताना कि कौन सी आपको अच्छी लगती है और कितनी इसकी स्पीड हो सकती है मैक्सिमम, ये आप बताना ज़रूर है, काफ़ी इसके अंदर मज़ा आएगा आपको। तो भाई एक गाड़ी तो हमारी ऑडी हो गई और देखते हैं दूसरी गाड़ी कौन सी है। दूसरी है 2019 की फोर्ड मस्टैंग। ओ भाई ये भी बहुत ही तगड़ी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है। चलने में तो ये भी ठीक है लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम है उसके मुकाबले, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है यार मुझे बताना।
शानदार भाई, ब्रेक ब्रेक तो बड़े ही जबरदस्त, और इंटीरियर तो पूछो ही मत, एक नंबर इंटीरियर आ रहा है इसका। तो भाई ये हो गई हमारी दूसरी गाड़ी, वेरी ब्यूटीफुल। अब हम निकालते हैं तीसरी गाड़ी, BMW i8। यार ये मेरी ना पर्सनल, ये मेरी फेवरेट गाड़ी है BMW i8। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, BMW i8 बहुत सही गाड़ी है, और इसका इंटीरियर तो पूछो ही मत आप। और चलने में ये इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे को ना इसके लुक की वजह से ये काफ़ी अच्छी लगती है BMW i8, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। तीन गाड़ियाँ अब तक हमारी हो चुकी है, और अब वक्त है चौथी गाड़ी निकालने का। हाँ भाई उतरो उतरो। और चौथी गाड़ी है हमारी Lamborghini Huracan। ये तो भाई बहुत ही फास्ट गाड़ी है, तो रॉकेट की तरह जाती है गाइस। ये गाड़ी का तुम पूछो ही मत, एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर। इस गाड़ी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है स्पीड के मामले में, तो इसको भी हम सजा देते हैं। ओ गई 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 Lamborghini गई भाई, पानी में धुल गई Lamborghini, तो अब ना निकलने वाली है। तुम कितने भी गियर लगा लो, दो लगा लो, तीन लगा लो, वो गई अंदर। और भाई हमारी पांचवी गाड़ी है Porsche 911। Porsche 911 भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लुकिंग वाइज भी ठीक है, स्पीड वाइज तो भाई Porsche फास्ट ही होती है। ये हमारी हो गई पांचवी गाड़ी, ठीक है। अब बारी है हमारी लास्ट गाड़ी की, इस ट्रेलर में जो आई थी। चलो भाई लाओ लाओ ड्राइवर साहब लाओ। और हमारी छठी गाड़ी है Mercedes Benz G65 AMG। भाई ये तो, ये काफ़ी यूट्यूबर्स के पास है ये वाली गाड़ी। ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है भाई, इसको ज़्यादातर ना हम जैसे RC वगैरह भी खेलते हैं, तो हम मतलब जब माफिया लोग होते हैं ना, हम लोग उसके अंदर यूज़ करते हैं इस गाड़ी को। बहुत ही फास्ट है ये भी, बहुत ही ड्यूरेबल गाड़ी है, जैसा कि आप देख ही पाए हो कितना ड्यूरेबल है। बैलेंसिंग भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद है यार। मतलब कुल मिला के भाई हमने जितनी भी गाड़ियाँ अभी तक मंगाई ना फ्रैंकलिन के लिए, सारी गाड़ियाँ मुझको तो अच्छी लगी है, लेकिन उनमें से मेरी फेवरेट जो होगी वो BMW i8 होगी और Lamborghini। आपको जो अच्छी लगती है आप मुझे बताना। तो अब ट्रेलर जा रहा है दूसरे राउंड के लिए, अब दूसरे राउंड की गाड़ियाँ आएगी, तब तक हम एक बियर टिका लेते हैं। और आप भी वीडियो को लाइक कर दो यार, और वो लाल वाला बटन है ना उसको दबाने के लिए बना है, उसको दबाओ, उसको अच्छे से दबाओ, तेल दो वाले को। तो भाई छः गाड़ियाँ और आ चुकी है सेकंड राउंड में, तो देखते हैं भाई ये कौन सी गाड़ी है। निकालो भाई, ये बुगाटी वेरोन भाई साहब, बुगाटी वेरोन, सबका बाप बुगाटी वेरोन। बुगाटी वेरोन भी आ गई भाई, फ्रैंकलिन के तो चांदी चांदी हो गई, पूछो ही मत। तो गाइस हम बुगाटी वेरोन को भी करते हैं पार्क, उसके पहले ले लेते हैं टेस्ट ड्राइव। यार शानदार गाड़ी बुगाटी वेरोन, एक हमारे फ्रैंकलिन को काफ़ी सूट करेगी ये गाड़ी, बहुत सही भाई। पार्क कर दो इसको भी तुम अब अंकल, वो ऊपर खड़ा होके भाई अलग ही बियर टिका रहा है। तो भाई बुगाटी वेरोन भी हमने पार्क कर दी, अब निकालेंगे हम लोग कहीं दूसरी गाड़ी, ठीक है। दूसरी गाड़ी है निसान GT-R। निसान GT-R भी ठीक है यार, ना इसकी इतनी स्पीड है ना लुक है, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब मेरे को अच्छी लगती है। मतलब एक जो क्या बोल सकते हैं इस गाड़ी को, मतलब डिसेंट गाड़ी है, बैलेंसिंग वगैरह भी ठीक है, स्पीड भी ठीक है, मतलब एक बैलेंस गाड़ी है कुल मिला के, ठीक है। तो ये हो गया रोल्स रॉयस फैंटम, ये तो भाई नवाब गाड़ी एकदम। और यार ये पिंक में क्यों मंगा ली भाई हमने इसको, तो यार मैंने ब्लैक बोला था, साला पिंक लेके आ गया। पिंकू है क्या हम, कमाल करते हो पांडे जी यार तुम भाई, पिंक रोल्स रॉयस लेके आ गए, बेशरम आदमी। चलो इसको भी गाइस हम लोग पार्क कर देते हैं। और नेक्स्ट कौन सी गाड़ी हमारी, नेक्स्ट है फरारी। फरारी भी भाई काफ़ी अच्छी गाड़ी है स्पीड के मामले में। भाई फ्रैंकलिन के पास कितनी गाड़ियाँ हो जाएगी यार, ये चलाएगा कब इतनी सारी गाड़ियाँ, ऐसे मंगा तो ली। लेकिन फरारी भी काफ़ी अच्छी चल रही है, बहुत सही, भगा 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 चलेगा, बहुत जबरदस्त गाइस फरारी भी यार, शानदार चल रही है, बहुत प्यारी चल रही है फरारी भी, बहुत सही भाई। अब तो अंदर जगह तक खत्म हो गई गाड़ी रखने की, बाहर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई, और हमारी एक और गाड़ी है Mercedes Benz। ओके ये भाई लुकिंग के मामले में अब तक जो गाड़ियाँ आई है ना उन सब में सबसे अच्छी लगी मुझे लुकिंग के मामले में, मतलब एकदम यूनिक है पूरी की पूरी यार। और इसका मीटर भी डिजिटल, क्या बात है भाई Mercedes वालों, एक नंबर गाड़ी है भाई ये भी, चलो बहुत बढ़िया। ओ बढ़िया 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 बढ़िया,
यार ये मुझे लुकिंग के मामले में काफी अच्छी लगी है गाड़ी। बहुत सही, तो हम खड़ी करेंगे हेलीकॉप्टर पार्किंग में, बिकॉज हेलीकॉप्टर अभी है नहीं। तो यहाँ पे हमारी खड़ी होगी मर्सिडीज, और अगली गाड़ी है हमारी और कौन सी थी, बस इतनी थी। ओके नहीं नहीं ये क्या भाई, मैं भूल गया था यार, एक और हमारे मर्सिडीज का एक और मॉडल है, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये थोड़ा मुझे वैसा लग रहा है उसके जैसा, निसान GTR टाइप लग रहा है ये मुझको। तो इसका भी स्पीड मुझे कुछ इतना खास तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छी गाड़ी है ये। बोलो भाई इतनी गाड़ियाँ हो गई अब तो, मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी क्या थी क्या थी, मेरे को तो भाई पूरा दिमाग से उतर गया। तो भाई सारी गाड़ियाँ फ्रैंकलिन की हमने इम्पोर्ट कर ली है, जो उसको लॉटरी के पैसे मिले थे। और इसी के साथ यार गाइस आज का वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। आप मुझे बताना कि आपको फेवरेट गाड़ी कौन सी लगी अच्छी, और स्पीड बताना। हम लोग मिलेंगे आप अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।